स्टार्ट हो गया। ओके थैंक यू। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम फ्रेजल वर्ब डे 6 स्टार्ट करते हैं। 5 डेज ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो आज डे 6 आपके लिए रहा। तो लेट अस स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बॉइल डाउन टू। बॉइल डाउन टू का अर्थ होता है किसी भी चीज का मेन कारण, मुख्य कारण होना, किसी भी घटना के होने का, किसी भी कार्य के होने का मुख्य कारण, यही मेन कॉज या हिंदी में जिसे आप कह रहे हैं मुख्य कारण। आइए इस एग्जांपल समझते हैं बॉइल डाउन टू को। द होल हाउसिंग शॉर्टेज प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, मनी। द होल हाउसिंग शॉर्टेज प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, मनी। मतलब जो पूरे जो मतलब घर की जो कमी की जो समस्या हो रही है, घरों की जो कमी की समस्या हो रही है, उसका मुख्य कारण है पैसा। मतलब ये निकला कि पैसा ना होने के कारण घरों की कमी हो रही है। तो बॉइल डाउन टू किसी भी चीज का मुख्य कारण होना। नेक्स्ट आइए अगला फ्रेजल वर्ब है आपका बॉल्ट डाउन। बॉल्ट डाउन का अर्थ होता है खाना जल्दी जल्दी खाना, खाना जल्दी जल्दी खाना, जिसे आप एक और सिनोनिम से जानते हैं, इसे आप लिख सकते हैं देवर, DEVOUR, देवर। इसका भी अर्थ होता है जल्दी जल्दी खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना। एग्जाम्पल, इफ यू बॉल्ट योर लंच डाउन लाइक दैट यू विल गेट इनडाइजेशन। इफ यू बॉल्ट योर लंच डाउन लाइक दैट यू विल गेट इनडाइजेशन। मतलब अगर आप अपने खाने को, दोपहर के खाने को इतना जल्दी जल्दी खाएंगे तो आपको अपच हो जाएगा। अपच मतलब इनडाइजेशन हो जाएगी। तो बॉल्ट डाउन का अर्थ होता है खाने को जल्दी जल्दी खाना, जिसे हम देवर भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए 53 अब होगा बोनअप। बोनअप मतलब किसी चीज के बारे में जानना, मतलब कोई भी चीज के बारे में जानना या ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना, उसे भी हम बोनअप ही कहते हैं। टू लर्न अबाउट समथिंग मोर एंड मोर, टू लर्न अबाउट समथिंग मोर एंड मोर, इसे आप ये कह सकते हैं बोनअप का एग्जाम्पल। आई एम बोनिंग अप ऑन माई हिस्ट्री फॉर एन एग्जाम टुमारो। आई एम बोनिंग अप ऑन माई हिस्ट्री फॉर एन एग्जाम टुमारो। मैं अपने इतिहास, मतलब इतिहास के बारे में और से ज्यादा से ज्यादा जान रहा हूँ, या उसके बारे में ज्यादा ज्यादा पढ़ के उसके बारे में जान रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक एग्जाम कल है। मतलब लास्ट मोमेंट पढ़ाई चल रही है, तो वो अपने इतिहास के बारे में ज्यादा ज्यादा पढ़ रहा है ताकि उसके बारे में ज्यादा ज्यादा जान सके, क्योंकि उसका कल एक एग्जाम है। नेक्स्ट है ये बोनअप, मतलब हो गया किसी चीज के बारे में ज्यादा ज्यादा जानना। 54 है बूम आउट। बूम आउट का अर्थ होता है जोर से बोलना, टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस या टू स्पीक लाउडली, जोर से बोलना बूम आउट। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम। माई गर्ल्स फादर बूम्ड आउट एज ही अप्रोच्ड मी। गर्ल का एक अर्थ गर्लफ्रेंड भी होता है, गर्ल में अपोस्ट्रोफी जोड़ दिया है। गर्ल मतलब एक तो लड़की होती है और गर्ल का एक अर्थ होता है गर्लफ्रेंड। तो इस सेंटेंस का अर्थ है व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। मेरे गर्लफ्रेंड के पिताजी ने जोर से बोला था जब वो मेरे नजदीक आ रहे थे। अप्रोच मतलब नजदीक आना। तो मेरे गर्लफ्रेंड के पिताजी ने मेरा नाम जोर से पूछा था जब वो मेरे नजदीक आ रहे थे। तो बूम आउट का अर्थ होता है, सॉरी, बूम आउट का अर्थ होता है जोर से बोलना। नेक्स्ट बूट आउट। बूट आउट सिंपल सा, आप इसे हिंदी में भी याद कर सकते हैं। बूट मतलब जूता जैसा होता है, तो किसी को जूता मारना, तो मतलब क्या निकला, टू मेक समवन लीव अ प्लेस और जॉब, किसी को किसी जगह से भगा देना या नौकरी से हटा देना। बूट आउट मतलब नौकरी या किसी जगह से हटा देना, बूट आउट निकाल देना या हटा देना। इसे एग्जांपल समझिए, आई वॉज बूटेड आउट ऑफ माई गर्ल्स हाउस आफ्टर अ फाइट विथ हर ब्रदर। मतलब मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के हाउस से
भगा दिया गया था या निकाल दिया गया था उसके भाई से लड़ाई के बाद, मतलब मेरे गर्लफ्रेंड के भाई से लड़ाई के बाद मुझे उसके घर से भगा दिया गया था या निकाल दिया गया था। तो बूट आउट मतलब किसी जगह से निकाल देना या नौकरी से निकाल देना, बूट आउट। नेक्स्ट आइए अगला फ्रेजल वर्ब है 56, बॉस अबाउट या बॉस अराउंड, एक ही बात है, आप बॉस अबाउट बोलिए या बॉस अराउंड, मतलब दादागिरी करना, बॉस गिरी करना, धौंस जमाना, शासन करना, आदेश देना, ये सब होता है बॉस अबाउट या बॉस अराउंड। हाँ, टू टेल समवन व्हाट टू डू, किसी से कहना है कि क्या करना है तुम्हें, दादागिरी करना, धौंस जमाना या आदेश देना। आइए बॉस अबाउट या अराउंड का एग्जांपल देखते हैं। आई मस्ट टेल यू द ट्रुथ, आई मस्ट टेल यू द ट्रुथ दैट, यहाँ पे कंजंक्शन दैट गायब है, आई मस्ट टेल यू द ट्रुथ दैट माई वाइफ नेवर बॉसेस मी अराउंड, मैं आपको एक सच्चाई जरूर बताना चाहता हूँ कभी भी क्या कि कभी भी मेरी वाइफ मुझ पर धौंस नहीं जमाती है। मैं आपको एक सच्चाई जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ कभी भी मुझ पर धौंस नहीं जमाती है, दादागिरी नहीं करती है, मैं खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन कर लेता हूँ, तो उसे मतलब जो है दादागिरी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरी वाइफ कभी मुझ पे धौंस नहीं जमाती है, मैं खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन कूड़ा करकट खाना बनाना सब कुछ कर लेता हूँ। तो बॉस अराउंड या अबाउट मतलब धौंस जमाना या दादागिरी करना या आदेश देना कि ये करो वो करो ये सब। तो आइए नेक्स्ट है 57, बॉटल अप, बॉटल अप मतलब किसी चीज को छुपा लेना, जनरली इमोशंस भावनाओं के लिए होती है, या करवाहट को भी छुपाना, गुस्से को छुपाना। तो बॉटल अप मतलब टू कंसील फीलिंग्स, भावनाओं को छुपा लेना या गुस्से को छुपा लेना। तो बॉटल अप, बॉटल है उसे अप मतलब ढक्कन लगा दिया, तो बॉटल के अंदर चला गया मतलब किसी चीज को छुपा दिया गया है। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए बॉटल अप को, एज सुन एज आई सॉ माई एक्स गर्लफ्रेंड, एज सुन एज आई सॉ माई एक्स गर्लफ्रेंड आई कुडंट बॉटल अप माई लव फॉर हर, मतलब ये फनी सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है ताकि थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत ना हो। मतलब जैसे ही मैंने अपने पुरानी प्रेमिका को देखा था, तो मैं उसके प्रति अपने प्यार को छुपा नहीं सका था। तो जैसे ही मैंने अपने पुरानी प्रेमिका को देखा था, पहले वाली को देखा, तो मैं उसके प्रति अपने प्यार को छुपा नहीं सका था। तो बॉटल अप मतलब किसी चीज को, इमोशंस को, गुस्से को, भावनाओं को छुपा लेना। तो ध्यान रखिएगा बॉटल अप। नेक्स्ट 58 है बाउंस अराउंड, किसी से किसी चीज के बारे में मंथन करना या विचार करना या बातचीत करना या चर्चा करना, टू डिस्कस विथ समवन, बाउंस अराउंड, किसी चीज के बारे में किसी से बात करना या चर्चा करना किसी मुद्दे पे। एग्जाम्पल, लेट अस बाउंस आवर आइडियाज अराउंड अबाउट हाउ टू इंक्रीज आवर कंसंट्रेशन, चलो हम इस बात पे बात करते हैं कि कैसे हम अपने कंसंट्रेशन को, ध्यान को बढ़ाएं और ज्यादा ध्यान को एकाग्रित करें। तो बाउंस अराउंड मतलब किसी भी मुद्दे पे या विषय वस्तु पे चर्चा करना या बात करना, बाउंस अराउंड। नेक्स्ट 59, बाउंस बैक, बाउंस बैक का अर्थ होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा असफलताएं मिली है लेकिन उसके बाद फिर से आप कामयाब होकर वापस आते हैं या फिर से आप कामयाब होते हैं, परेशानियों के बाद, मुश्किलों के बाद जो आप फिर से कामयाब हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं बाउंस बैक। टू बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर फेलियर, असफलता के बाद फिर से सफल होना, असफलता के बाद पुनः सफल होना, बाउंस बैक। एग्जाम्पल देखिए, आई एम श्योर टू बाउंस बैक फ्रॉम लास्ट ईयर्स डिफीट, मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि मैं पिछले साल के हार से वापस उबर के पुनः सफलता पाऊंगा, मैं इस बात को लेकर श्योर हूं, सुनिश्चित हूं कि मैं पिछले साल के हार से उबर के पुनः सफलता पाऊंगा। नेक्स्ट आज का लास्ट वर्ड रहा बो डाउन टू, बो डाउन टू मतलब सर झुकाना या आज्ञा का पालन करना या झुक जाना, किसी के दबाव के आगे झुक जाना, सर झुकाना, आज्ञा का पालन करना, बातों को मानना भी होता है। तो बो डाउन टू, टू ओबे समवन मतलब आज्ञा का पालन करना।
मतलब सर झुका लेना. एग्जाम्पल, माई वाइफ एक्सपेक्ट्स मी टू बो डाउन टू हर एंड डू डिश वॉशिंग. ये फनी सेंटेंस है आपके लिए. मेरी वाइफ मुझसे उम्मीद करती है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, उसके सामने सर झुका लूंगा और बर्तन को माजूंगा. मेरी वाइफ यह उम्मीद करती है कि मैं उसके सामने सर झुका लूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा और बर्तन को माजूंगा. तो ये रहा आपका बो डाउन टू, मतलब आज्ञा का पालन करना या किसी के सामने सर झुका लेना. तो ये रहा आज का फ्रेजल वर्ब. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया हो, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर जाइए, क्योंकि ये सारे फ्रेजल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद.